स्वागत है सभी का फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन 2020-21 में। आज हम ये सेशन के अंदर लेक्चर जो है री स्ट्रेंथनिंग ऑफ द माइंड पोस्ट पेंडेमिक मेंटल फिटनेस एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट स्टाफ एंड पेरेंट्स। इस सेशन के लिए हमारे साथ जो जुड़ेंगे डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, ऑनरेबल वाइस चांसलर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात इंडिया, नोडल ऑफिसर और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट गुजरात, एक्स फिजिकल ट्रेनर फाइसो और ट्रेनर इंडियन सीनियर जूनियर नेशनल क्रिकेट टीम्स बीसीसीआई, मैनेजर आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, डॉक्टरेट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टरेट इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एफडीपी आईआईएम अहमदाबाद। हम स्वागत करेंगे सर का। नमस्कार जी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज फिट इंडिया मूवमेंट सप्ताह के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति ने जो एक फिट इंडिया मूवमेंट कैंपेन का एक आयोजन किया है, सिक्स स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ पे आप सभी ने जूम के माध्यम के द्वारा इकट्ठा किया है, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की नींव रखी थी। उन्होंने एक संकल्पना हमें भारतवासियों को दी थी कि हम सब लोग कैसे फिट रहे, फिजिकली फिट कैसे रहे, मेंटली स्ट्रांग मेंटली टफ कैसे बने, हम लोग सात्विक आहार का पालन कैसे करें और हमारी जीवन शैली में हम लोग कैसे स्वच्छता के साथ स्वस्थता का अनुभव करें। तो एक साल पहले शुरू हुई इस मुहिम में भारत देश के 135 करोड़ लोग इसमें एक जन आंदोलन के रूप में जुड़ गए। हमारे गुजरात राज्य में भी हमारे गुजरात सरकार के डायनामिक और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपानी साहब ने फिट गुजरात मिशन चलाया और उसी के अंतर्गत हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक और खेलकूद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय श्री ईश्वरजी जी पटेल साहब ने हमारे गुजरात के 33 जिलों में और 252 तालुकाओं के अंदर सभी को फिट इंडिया मूवमेंट का एक प्रोग्राम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे किया जाए और हमें कोविड का मुकाबला कैसे हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम को आगे जागरूक करते हुए कैसे किया जाए, उसका एक प्रोग्राम, उसका एक अच्छा सा कार्यक्रम सभी जिलों में अभी चल रहा है। उसी के माध्यम के द्वारा हमें सौंपी गई जिम्मेवारी के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित होके बच्चों को स्वच्छता का पाठ कैसे पढ़ाया जाए, जो हमारे मुख्यमंत्री श्री सदैव स्वच्छ गुजरात की बात करते हैं कि स्वच्छ गुजरात के संग जो मोदी जी ने हमें संकल्पना दी है कि गांधी जी भी स्वच्छता के हिमायती थे, अपना काम खुद का काम स्वयं करते थे। और बच्चों को आज मैं यही अपील करूंगा, बच्चों को यही बात आज मैं रिपीट करूंगा कि हम लोग अपना काम स्वयं करें, अपने हेल्थ का, अपने तंदुरुस्ती का, अपने हाइजीन का ख्याल रखें, अपने कपड़े, अपने नाखून, अपने शरीर, अपने अंगों को अच्छे से नहा के अच्छे से सैनिटाइज करके रहे और हमारे परिवारजनों के साथ इस कोविड की महामारी के टाइम पे हमें हिम्मत नहीं हारनी है,
क्योंकि गुजरात अभी कोविड का सामना अच्छे से कर रहा है और ऑलमोस्ट हम लोग ये जंग जीत चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान भी किया है कि आने वाले समय में सबसे पहले भारत देश के अंदर सभी को उसका वैक्सीनेशन भी होगा। इसलिए बच्चों, हमें डरने की कोई बात नहीं है, मगर फिट इंडिया मूवमेंट का एक जो आंदोलन चला है, जो घर घर चला है, जन जन तक चला है, उसमें हम लोगों को सहभागी होना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग खाली स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी आप जाएंगे, आपके साथ आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन होगी, वो लोग ही फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। आपके माता, आपकी दादी, आपकी नानी, वो भी एक फिट इंडिया मूवमेंट का भाग है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि वो लोग, आप लोग कसरत करके, योगा करके, प्राणायाम करके जब वापस घर आते हो, तभी आपको सात्विक आहार, आपका खाना जो बनता है, वो आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी बनाती है। उनको भी पता है कि हमें कम तेल का अच्छा सात्विक वेजिटेरियन आहार बच्चों को कैसे देना है, और आपका खाने का विशेष ध्यान आपकी दादी रखती है। तो वो दादी माँ, वो नानी माँ और आपकी माताजी भी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ही कहीं ना कहीं हिस्सेदार जरूर है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नई संकल्पना दी है, सभी जन जन को एक संकल्पना दी है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी मोहल्ले का हो, कोई भी राज्य का हो, या चाहे कोई भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हो, मगर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, एवरीडे हम लोग जैसे ब्रश करते हैं, हमारी दैनिक जीवनचर्या, दैनिक जीवन की हम दिनचर्या का एक भाग हम रोज बरोज परवाह की जिंदगी में उपयोग में लेते हैं, वैसे ही हमें सुबह उठ के हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न भाग बनाना है, अभिन्न हिस्सा हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती को बनाना है। चाहे आप दौड़ने जाइए, खेलकूद में हिस्सा लीजिए, या साइकिल के ऊपर साइक्लोथोन में भाग लीजिए, मगर वो आप नियमित रूप से करें। एवरीडे मींस कि आपको फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल टफनेस के लिए, आपको कुछ ना कुछ अपना जीवन में से, अपने रोजिंदे 24 घंटों में से 30 मिनट निकालने हैं। आप एक डायरी मेंटेन कीजिए कि आपने सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को कौन कौन सी एक्सरसाइज की। और मैं तो फिजिकल फिटनेस ट्रेनर रह चुका हूँ भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, इसलिए मैं आपको ज्यादा हिमायत एक्सरसाइज के रूप में देना चाहता हूँ कि आप सोम, बुध, शुक्र और मंगल, गुरु, शनि, ऐसे करके आप फिजिकल फिटनेस का एक प्रोग्राम अपने जीवन में बनाइए। भले आप स्कूल में, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में तो आपको नियमित शिक्षक लोग आपको फिजिकल फिटनेस और आपको फिजिकल ट्रेनिंग कराते ही है, मगर आप उससे एक्स्ट्रा 30 मिनट अपने अंदाज से, अपने आपकी शौक की कोई भी चीज, खेलकूद की, आप अपने जीवन में अपनाइए। और योगा नियमित रूप से करिए, 30 मिनट के अंदर आप 20-25 मिनट, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो भी आसन अच्छे लगे, योगा, प्राणायाम आप रेगुलर कीजिए, आप एवरीडे करो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा, आपका आई, हैंड्स एंड लेग्स कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। आपका कंसंट्रेशन बढ़ने से आपको परीक्षा के अंदर भी अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपका बॉडी का पूरा एक सर्वांगी विकास होगा, आपकी पर्सनालिटी का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो आज से बच्चों, हम लोग एक संकल्प करें कि चलो हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए रोज 30 मिनट निकाले, योगा के लिए रोज आधा घंटा 30 मिनट निकाले, योगा प्राणायाम करके हम फिजिकली फिट रहे। और आप लोग जानते हो कि कोविड की इस महामारी में कोविड किसी का सगा नहीं है। मैं मेरी बात अब फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि मुझे जो साम्यता दिख रही है, वो कोविड और आतंकवाद जैसी महामारियों के सामने मुकाबला करने की बात है, क्योंकि कोविड और आतंकवाद दोनों एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक, एक जैसे ही लक्षण रखते हैं, जो किसी के सगे नहीं है, जो किसी धर्म, जाति, ज्ञाति, किसी को छोटे, बड़े, बूढ़े, किसी को पहचानते नहीं है, वो खाली मौत देते हैं। उसका सामना करने के लिए दोस्तों, आपको फिजिकली फिट रहना होगा, मेंटली स्ट्रांग और टफ रहना होगा,
अपनी शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ानी होगी ताकि आप डिफेंस मोड में ना आके अटैकिंग मोड में आए और ये कोविड जैसे महामारी, आतंकवाद जैसे जो अपने समाज के जो इविल्स है वो आपके सामने कभी ना टिके। और हमारी सच्ची जिम्मेदारी तो दोस्तों आप लोग तो फाउंडेशन हो, बच्चों आप लोग हमारे देश की नींव हो, और आप लोगों को फिजिकली फिट रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, और एक युवा भारत का, एक नए भारत का निर्माण करना है। और इस नए भारत के निर्माण के लिए हमें आप लोगों से इसी उम्मीद है कि आप लोग रोज व्यायाम करें, रोज योगासना करें, और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ाए, अपनी फिजिकल फिटनेस की कैपेसिटी बढ़ाए, और एक अखंड भारत, एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करें। और आने वाले दिनों में अगर भारत देश के सामने कोविड या कोई भी महामारी या कोई भी मुश्किलें आएगी तो उसका आप लोग डटकर मुकाबला करें। आगे आने वाले 25 साल के बाद का भारत 25 साल की उम्र से नीचे वाला युवा भारत होगा, तो उस युवा भारत का जो फाउंडेशन है, उसके स्टोन है, वो उसकी नींव है, वो आप लोग हो। तो आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग ये फिट इंडिया मूवमेंट अंतर्गत जो सप्ताह चल रहा है उसमें आप हिस्सेदार बनिए, और आज एक संकल्प करें, एक प्राण करें कि हम लोग अपने आप को चरित्रवान बनाएंगे, अपने आप को बलवान बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, और राष्ट्रवादी बनाएंगे। क्योंकि हमारा सभी का ध्येय, हमारा सभी का मकसद भारत देश की, भारत माता की रक्षा करना है, और भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने गुजरात राज्य को मैं आप जो पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राध्यापकों को, प्रिंसिपल को, और सभी छात्रों को, शिक्षकों को एक विनती करता हूं कि हम लोग रोज फिजिकल फिटनेस, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज मोदी जी का सूत्र सार्थक करने में आप सहयोग करें, योगदान दें, और गुजरात राज्य के 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए हमारे निर्णायक मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपाणी जी ने जो स्कूलों के अंदर भी हर एक जगह स्पोर्ट्स एजुकेशन फॉर ऑल की बात कही है कि हर एक स्कूल के अंदर एक मैदान होना चाहिए और उसके अंदर खेलने वाले बच्चे रेगुलर बेसिस पे खेले, और हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात इसमें काम कर रहा है, हमारा स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी स्पोर्ट्स एजुकेशन की डिग्रीज अवार्ड कर रहा है, हमारे टीचर्स कोचेस तैयार कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के पीटीआई तैयार हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हमें हमारे भारत देश को मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, बलवान बनाना है, और राष्ट्रवादी बनाना है। तो उसी मकसद को आगे लेते हुए हम कोविड की महामारी में अपना ध्यान रखें, अपने भाइयों, छोटे भाई बहन का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और अपने आसपास के मोहल्लों में दोस्तों का भी ध्यान रखें। स्कूल जाने की बहुत इच्छा हो रही है आप सबको, हमें भी मालूम है, मगर समय आएगा जहां आप सभी लोग वर्चुअली न मिलते हुए एक्चुअली मिलेंगे, तभी हम आपको वादा करते हैं कि हम जरूर आपके, आज जो गीर सोमनाथ जिले के पाटिल साहब ने अभी जो ये प्रोग्राम रखा है, पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय की कमेटी, विनायक गर्ग साहब, कमिश्नर साहब, सरकार जी, रवि कुमार साहब, सरदार साहब, अनिरुद्ध रविंद्र साहब, और वेंकटेश्वरन साहब, और पाटिल साहब, और हमारे फिजिकल एजुकेशन के, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो हमारे जूडो प्लेयर भी नेशनल रह चुके हैं, मिस्टर नीरज जानी साहब, सभी की आज मेहनत रंग लाई है, और सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स हमारे सामने आज उपस्थित हो, मेरा भी अहोभाग्य है। मुझे आज, मैं भी सेंट्रल स्कूल का, केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी रह चुका हूँ, तो हम सभी लोग एक ही इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भी केंद्र सरकार की ही देन है, जो भी पूरे भारत वर्ष के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर इतने सारे नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम के द्वारा शिक्षा का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो आज सभी को एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, एक फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम के एक सैनिक की हैसियत से, गुजरात सरकार के एक प्रतिनिधि की हैसियत से, हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक विभाग के एक प्रतिनिधि की हैसियत से, और हमारे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए आपको फिर से मैं अपील करता हूं कि आप सभी लोग कोविड की महामारी के बाद नियमित योगा प्राणायाम करें, 30 मिनट एक्सरसाइज रेगुलर करें, खाने में ध्यान रखें, आप खाने का एक टाइम टेबल बनाइए। अभी आप लोग घर पे हैं, इसलिए आप लोग आराम प्रिय ज्यादा हो गए,
क्योंकि मैं खुद हो गया था अपने लॉकडाउन के टाइम पे, मगर अभी जागने का टाइम आया है। अभी आज इसी मौके पे आप सबके साथ बैठते हुए मुझे अपने स्वामी विवेकानंद जी की याद आ रही है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात हमारे सामने रखी थी कि उठो जागो रुको मत जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो। तो दोस्तों, उठने का टाइम आ गया है, जागने का टाइम आ गया है, और हमारा उद्देश्य जो है वो हमारा एक एक भारत, श्रेष्ठ भारत और हमारा अखंड भारत की बात है। तो उसके लिए तो हमें जागना होगा, उसके लिए तो हमें अपने आप को बलवान बनाना होगा। कैसी भी मुसीबत आए उसका डट के मुकाबला सामना करना होगा, चाहे वो मुसीबत हमारे घर में हो, हमारे राज्य में हो या हमारे राष्ट्र में हो। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए, बधाई देते हुए एक सबके साथ एक शपथ लेता हूं, और आज फिट इंडिया मूवमेंट की जो शपथ है वो आपके सामने खड़े होके मैं प्लेज लेता हूं, और आप सभी को प्रार्थना करते हुए कि आप सभी भी एक प्रतिज्ञा ले, फिट इंडिया प्लेज। अब मेरे सामने मेरे साथ आप हाथ आपका राइट हैंड ऊपर करके आप मेरे साथ बोलिए कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिदिन व्यायाम, खेलकूद, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए समय निकालकर फिट रहूंगा और मेरे परिवार तथा पड़ोसियों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाऊंगा। आप सभी लोग इस मंत्र को साकार करो, और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय, जितनी भी जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पे जुड़ी हुई है, उस सभी के प्रिंसिपल साहब को, उस सभी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड को, सभी टीचर्स को, सभी एडमिन स्टाफ को बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।